नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। जम्मू कश्मीर, डोडा बस हादसे में मरने वालों की संख्या 30 हुई। सुब्रत राय सहारा के अंतिम यात्रा कल दोपहर करीब 12 बजे विपुल खंड गोमती नगर से निकली। झारखंड दौरे पर पीएम मोदी आज रांची के बिरसा मुंडा म्यूजियम जाएंगे। नहीं बता सकते रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना समय लगेगा, उत्तरकाशी टनल हादसे पर बोले अधिकारी। भारत न्यूजीलैंड मैच में रुकावट की धमकी देने वाली सोशल मीडिया पोस्ट निकली फर्जी। इज़माम उल हक के दिमागी हालात ठीक नहीं, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर के बयान पर बोले हरभजन। दिल्ली और देश को प्रदूषण की समस्या का समाधान बताएं बीजेपी, बोले मंत्री गोपाल राय। दिल्ली में 1000 से ज्यादा जगहों पर छठ पूजा की तैयारी, बोले मंत्री गोपाल राय। अलीगढ़ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी का खुलासा, आईएसआईएस के निशाने पर थे हिंदूवादी नेता। एशिया पैसिफिक के लीडर्स को दक्षिण कोरिया की चेतावनी, रूस नॉर्थ कोरिया हथियार डील को लेकर चेताया। उत्तराखंड, विधि विधान से बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट। चुनाव के बीच पीएम किसान फंड जारी करने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। मदर टेरेसा से आत्मीय मुलाकात, अटल की तारीफ, बड़े बिजनेसमैन शोमैन हुआ करते थे सुब्रत राय सहारा। जल्द हो सकती है तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा की शादी, माता पिता के दबाव में एक्टर्स ले रहे हैं अहम फैसला। शी जिनपिंग के साथ बैठक का लक्ष्य, अमेरिका चीन मिलिट्री कम्युनिकेशन को फिर शुरू करना है जो बाइडेन। इसराइल हमास जंग के बीच गाजा पट्टी के अल शिफा अस्पताल में घुसी इजरायली सेना। न बैठने की जगह, न चलने की, टॉयलेट जाना हो तो कैसे जाएं? छठ में ट्रेन की भीड़ में घुसे यात्रियों का दर्द। उत्तरकाशी की सुरंग में 4 दिन से फंसे 40 संदिग्धों, दिल्ली मेट्रो नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से मांगी जा रही मदद। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल के समर्थन में अमेरिका के वॉशिंगटन में रैली। छत्तीसगढ़ चुनाव, गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में रोड शो करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बारामती में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।